हेलो बच्चों, आज हम लोग एग्जांपल करेंगे और ये एग्जांपल नंबर 3 मैंने लिख रखा है। इसका सॉल्यूशन अपना एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी में जिस तरह गिवन है वो राइट एनालिसिस आपको नहीं देता, क्योंकि कॉन्सेप्ट इन डेप्थ मैंने डिटेल्ड वीडियो में बताया है आपको। उसी हिसाब से इसको हम लोग करेंगे तो असली कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, तो बोर्ड के भी सवाल हो पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी सवाल हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आइए, तो ये हमें एग्जाम्पल 3 में दिया है कि शो दैट साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x है जब x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 के क्लोज्ड इंटरवल में है। और यही वैल्यू देखिए सेम लिखा हुआ है, ये 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगी अगर हम x की वैल्यू को 1 अपॉन रूट 2 और 1 के क्लोज्ड इंटरवल में ले लें। तो इसकी प्रॉपर वर्किंग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो, लेकिन सही तरीका वही है। तो मैं आपको सुपरफिशियल तरीका बताना पसंद नहीं करूंगा, डिटेल्ड ही तरीका बताऊंगा जिससे पूरा फंडा क्लियर हो, पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ में आए। आइए शुरू करते हैं, पहले वाले का सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहां लेट कर लो, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, अब यहां पर अगर हमें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखना है तो हमें मालूम है कि डेफिनेशन से थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होनी चाहिए साइन के केस में, तब हम इसको थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करते हैं। चलिए ये बात तो हो गई साहब, अब आगे की चर्चा करते हैं कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, यानी देखिएगा x की वैल्यू दे रखी है माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2 के बीच है। अब x की जगह पुट कर दो साइन थीटा, भाई x बराबर साइन थीटा आपने लेट किया हुआ है, तो यहां पे डाल देता हूं तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 और ये रही वैल्यू साइन थीटा की और साथ में रहा 1 अपॉन रूट 2। ठीक है साहब, तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2 जानी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो किस पर साइन थीटा कौन से एंगल पर 1 बाई रूट 2 होता है तो पाई बाई 4 पर होता है और ये माइनस पाई बाई 4 पर होता है। तो एक चीज देखिएगा जो मैं डिटेल्ड वीडियो में मैंने बताया है कि ये जो इंटरवल है ये माइनस पाई बाई 2 है और इधर वाला प्लस पाई बाई 2 है। इस इंटरवल के अंदर हमारा साइन का वैल्यू इंक्रीजिंग है, मतलब जैसे जैसे थीटा हम बढ़ाएंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की तरफ, वैसे वैसे हमारा साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ता है ना, इसलिए इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ऐसा केस हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि जहां थीटा बढ़ाने पर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज घटते हैं, है ना। अब इसी का इंटरवल ले लें अगर हम लोग कोई दूसरा, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि वैल्यूज घटनी शुरू हो जाएं, जैसे पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू की तरफ बढ़ जाएं। ये ले लें तो पाई बाई टू पे वैल्यू होती है 1 और यहां आ जाएगी तो माइनस 1, तो इसमें घट जाएगा। बात पकड़ पाए, थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा बढ़ रहा है। तो इस इनइक्वालिटी को आराम से हैंडल कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पाई बाई 4 थीटा की वैल्यू और पाई बाई 4 के बीच होगी। ठीक है, क्योंकि रहना तो इसी के बीच है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अगर वो केस होता कि थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा घट रहा है तो यहां पर ये इनइक्वालिटी बदल जाती, अपोजिट हो जाती ना, ये साइन ग्रेटर देन लेसर का है तो वो उसका अपोजिट लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, बात पकड़ पाए होंगे आप। तो इससे हम लोग थीटा ये कर पाए कि थीटा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच होने वाला है। अब देखिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब इसमें ये जो हमारे पास इनवर्स वैल्यू दे रखी है इसके अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, एक्स की जगह साइन थीटा पकड़ा था तो ये रखा आपने साइन थीटा, अंडर रूट में वैल्यू डाली और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको लिखिए साइन इनवर्स और ये 2 साइन थीटा और इसे लिखिए अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, खटाक से इसको कॉस थीटा मत लिखिएगा जैसा बुक में लिखा है, ये होता ही नहीं कॉस थीटा के बराबर, पर्टिकुलर कंडीशन में कॉस थीटा के बराबर होता है। देखिए मैं बताता हूं आपको, कभी भी जो वैल्यू लिखी हो इस तरह की, मैंने और भी वीडियो में बताया है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो हमेशा ये एक्स के बराबर नहीं होता, ये फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स होता है।
तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर तब होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये माइनस एक्स के बराबर होगा। ये मॉडुलस फंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब ये मत सोचिएगा कि सर ने तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा, इसकी वैल्यू माइनस कैसे आ गई। अरे यहां पर एक्स माइनस भी तो है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। ये मत समझ जाना कि सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखे तो माइनस कैसे आ गई वैल्यू। समझ में आ रही है बात ना? तो ये जो वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये होती है मॉडुलस ऑफ एक्स। और इसी तरीके से जब हमारा यहां आ जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा होता है। यानी ये कॉस थीटा के बराबर तभी होगा जब हमारा कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, ध्यान रखिएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई कॉन्सेप्ट, तो ये माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहां पर। ठीक है साहब, अब इसको हमें कॉस थीटा अगर लिखना है अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या कॉस थीटा पॉजिटिव है? लेट अस चेक। अब थीटा की वैल्यू यहां दे रखी है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, तो यहां से क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो है। पहले और चौथे क्वाड्रेंट में एड शुगर टी कॉफी हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल किधर है? पहले और चौथे क्वाड्रेंट में। तो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो है। देखिए दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा भाई, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, एक बार समझ गए तो मजा आएगा आपको। तो कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो है। अब हाँ, अब जीरो है तो कोई समस्या नहीं, यहां लिख सकते हैं साइन इनवर्स टू साइन थीटा, और इसको प्यार से लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो इस इंटरवल के अंदर। फर्स्ट क्लास। अब यहां बढ़ जाइए, साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा एक फॉर्मूला ही होता है, उसमें कोई कंडीशन तो होती नहीं, तो आप लिख दीजिए साइन टू थीटा, बिल्कुल बढ़िया। अब कई बच्चे झट से इसको लिख देंगे टू थीटा के बराबर, जो कि गलत है। हमेशा टू थीटा के बराबर ये नहीं होगा। अगर इसको टू थीटा के बराबर होना है, ध्यान रखिए इनवर्स को एडजस्ट करना है साइन से, तो इस टू थीटा को हमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच होना होगा साइन के केस में, बाय डेफिनेशन। बात पकड़ के रहना, ये सब कंडीशंस उसमें लिखी नहीं है एनसीईआरटी में, एकदम सुपरफिशियल दे दिया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चा एक सवाल को रट लेगा बिल्कुल, और ऐसे लगाने की कोशिश करेगा, आगे कंपटीशन लायक ही नहीं बचेगा। आप समझ पा रहे मेरी बात ना? इसको साइन इनवर्स साइन टू थीटा को टू थीटा कब लिख सकते हो? अगर टू थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है तो। लेटेस्ट चेक है तो लिख देंगे, नहीं है तो फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं थीटा दे रखा था, देखना बच्चों, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई बाई टू, टू थीटा और पाई बाई टू, यानी ये कंडीशन वेरीफाइड हो गई यहां से। अब आप लिख सकते हैं इसको टू थीटा के बराबर, वरना नहीं लिख पाते। अब इसको प्यार से कर दीजिए टू, और थीटा की वैल्यू आपने थी साइन इनवर्स एक्स। अब ये साहब जो इन्होंने बोला था वो प्रूव्ड हुआ है। तो देखिए इस तरीके से इतनी कंडीशंस को संभाल के लेके चलेंगे तब प्रूविंग हो पाएगी। अदरवाइज आप सोचेंगे कि भाई इतना दिमाग कौन लड़ाए, सीधे जो बोला है कर दो, तो वो कर तो दो लेकिन वो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा आपका, वो ठीक तरीका नहीं है, वो रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, और आप आगे के सवाल या किसी सवाल में कोई ट्विस्ट होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो उस लायक ही नहीं बचेंगे कि वो बात समझ सकें। तो इन कंडीशन को ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए मैंने डिटेल्ड वीडियोज भी बना दिए कि सब कुछ पकड़ बन पाए। एनीवे, अब इसका सेकंड जो पार्ट है उसको करने की कोशिश करेंगे इसी लॉजिक पे, और देखते हैं क्या आंसर हमारे सामने आता है। आइए चलते हैं। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, और देखिए सेकंड पार्ट में हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अगर लिखना है तो थीटा को बाउंड करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है जीरो से पाई के क्लोज्ड इंटरवल में, तो एक कंडीशन इम्पोज हो जाती है इसके ऊपर बाई डेफिनेशन। ठीक है साहब, अब यहाँ कंडीशन दे रखी थी कि x की जो वैल्यू है वन अपॉन रूट टू और वन के क्लोज्ड इंटरवल में है। अब x को कॉस थीटा लेट किया है तो x की जगह cos थीटा पुट कर दो, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट टू और 1 के क्लोज्ड इंटरवल में। अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अब देखिए cos की किस वैल्यू के लिए पाई बाई फोर होता है, ये पाई बाई फोर के लिए 1 अपॉन रूट टू होती है। तो आप इस तरीके से इनइक्वालिटी नहीं लिख सकते हैं,
कॉस 01 होता है ना, यहाँ लिख दिया 1/√2 का कॉस पाई बाई 4 पे वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि जो कॉस थीटा होता है जो 0 से पाई के बीच में, 0 और पाई और इधर पाई बाई 2 के बीच में, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, यहाँ पर थीटा देखिए 0 था तो कॉस 0 कितना था 1, और यहाँ थीटा था पाई बाई 2 तो कॉस कितना था, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू थी 0, और यहां भी देख लो बेटा, समझ रहे हैं तो अच्छे से समझ लें, कॉस पाई की वैल्यू थी -1, यानी थीटा के बढ़ने पर, बढ़ रहा है ना थीटा, थीटा 0 था पाई बाई 2 था पाई था, हमारा कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, थीटा के बढ़ने पर कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, दिख रहा है कि नहीं, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 थी 0 पर, यहां पे आ गई 0, कॉस 0 मतलब 0 कॉस 90 0, और यहां आ गई -1, यानी थीटा बढ़ा कॉस थीटा घटा, इसलिए यहां पर इनइक्वालिटी बदल जाती है। बात पकड़ पा रही? तो ये जो वैल्यू लिखी है इसकी इनइक्वालिटी बदलोगे, ये जो लिखा है इसको ऐसे लिखोगे और इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब जब प्रैक्टिस हो जाती है हम लोग की, तो इस वाली वैल्यू को मैं तो इसको इधर लिख देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं, इनइक्वालिटी पलटने से मतलब, क्योंकि इसको आसान भाषा में इस तरह लिखेंगे जैसे हम लोग रीड करते आए हैं कि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी इक्वल और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 से छोटी है इक्वल। समझ पाए होंगे अभी जो मैंने पहले केस में डिस्कस किया था, थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा घट रहा है, इनइक्वालिटी बदल गई, लॉजिक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि थीटा कहां से कहां तक की चर्चा करनी है, 0 और पाई बाई 4 के क्लोज्ड इंटरवल के बीच में। बहुत सुंदर बात। अब हम लोग इस सवाल पे आते हैं, साइन इनवर्स एक्स की जगह पुट करते हैं कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स की जगह कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू बन गई साइन स्क्वायर थीटा। आपको बताया था कि झट से इसको साइन स्क्वायर थीटा को, अंडर रूट को साइन थीटा नहीं लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब हमारा साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पर इस इंटरवल में 0 से पाई बाई 4 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे तो सेकंड में भी, फर्स्ट में हमारा साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं, यहां पे अंडर रूट एक्स साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया। अभी आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसको झट से 2 थीटा मत लिख देना, लेट अस चेक कि 2 थीटा साइन के केस में, साइन इनवर्स के केस में माइनस पाई बाई 2 से कि पाई बाई 2 के बीच है कि नहीं। अगर है तो लिख दो रूट थीटा, अगर नहीं है तो कुछ गेम करके इसको 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाना पड़ेगा, तब लिख पाओगे। बात पकड़ में आ रही होगी? तो यहां चेक करते हैं कि 2 थीटा किस इंटरवल में है। तो हमारे पास थीटा हमारे इंटरवल जो मिला था बेटा, ये देखो लिख दिया मैंने, 0 से पाई बाई 4 के बीच था, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 और ये वैल्यू हो गई पाई बाई 2। अब ये क्लियर कट हमारा 2 थीटा का रिक्वायरमेंट था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच आना, और ये वैल्यू इंटरवल तो इसी के बीच है 0 से पाई बाई 2, यानी कोई समस्या की बात नहीं है, आप इसको 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 थीटा लिख दिया, फिर 2 लिखा और थीटा की जगह लिखा कॉस इनवर्स एक्स, और हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए ये रियल कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूं, और ये आना चाहिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन संभालना है तो। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल तरीके से कर दीजिए, फिर आप कोई भी कायदे का सवाल कभी नहीं लगा पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इट इज बेटर कि यहां क्लैरिटी के साथ लॉजिक पकड़िए, डरने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा लॉजिक का कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 के दोनों पार्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेते हैं। अब अगला एग्जाम्पल करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, आइए चलते हैं। तो बच्चों आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और देखिए एग्जाम्पल कैसे दिया है, 10 इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 10 इनवर्स 2 बाई 11 को प्रूव करना है इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 बाई 4। कई सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन उनमें से एनसीईआरटी में जो प्रमुखता से लिखा हुआ फॉर्मूला है वो ये है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को, इस कंडीशन में ये फॉर्मूला वैलिड है। अब चेक करते हैं कि x इंटू वाई इज लेस देन 1, ये कंडीशन है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा x है और ये हमारा y है, यही तो है। तो x की वैल्यू हो गई साहब यहाँ पर 1/2 और y की वैल्यू हो गई 2/11। x इंटू वाई निकालते हैं यानी 1/2 इंटू 2/11 करते हैं, जो वैल्यू हो जाती है 1/11 विच इज क्लियरली लेस देन 1। यानी अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 2 बाई
11 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ऊपर से लिखा ही था आप देख ही रहे हैं, तो 1 अपॉन 11 नीचे डाल दो, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर डालो। नीचे एलसीएम हो गया 22, ऊपर कितना बचा 11 और यहाँ बचा 4, और यहाँ आ जाओ तो 10 बाई 11 बचा। अब इसको लिख दीजिए 15 अपॉन 22 और पलट के 11 अपॉन 10। अब देखिए कितना वैल्यू, अच्छा 10 इनवर्स तो लगा ही हुआ है भाई, यहाँ तो 10 इनवर्स लिख ही लेना, यहाँ पे 10 इनवर्स तो है ही, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो गई, कुछ कट रहा हो तो काट लो, 10 इनवर्स 11 टू जा 22 और 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, तो 3 बाई 4 साफ तौर पे आ रहा है और ये 3 बाई 4 आ गया, जिसे आपने प्रूफ कर दिया। तो ये कुछ भी नहीं था, आप सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दी फॉर्मूला था, और बस ये कंडीशन जरूर देख लीजिएगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 5 पर। तो आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोला गया है कि एक्सप्रेस 10 इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और एक्स की भी इंटरवल दे रखा है माइनस 3 पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच, ओपन इंटरवल में है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए इसको करते हैं, कोई भी विशेष बात नजर नहीं आती। तो 10 इनवर्स ये लिखा हुआ है, कॉपी नहीं कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। कॉस थीटा का आप फॉर्मूला जानते होंगे, कॉस 2 थीटा का, इसको आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, और यहाँ थीटा बाई 2 अगर थीटा है अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बाई 2। इससे आप चिर परिचित हैं, यानी जानते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। और इसी तरीके से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पहचानते हैं, होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगर यहाँ पर हमारा साइन थीटा है तो यह आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इन दो फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर्मूले के आप जानते ही हैं, मैंने ज़बरदस्ती बता दिया, इतना तो बच्चे को आता ही है। तो इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, अपॉन 1 माइनस यहाँ आ जाते हैं तो लिख दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं, यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स और ऊपर वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और साथ में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। और नीचे आ जाइए, इस 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही होता है, कोई कुछ कुछ देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप ये भी बड़े आराम से लिख सकते हैं, बन गई कहानी। आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए 10 इनवर्स, ऊपर की वैल्यू तो एज इट इज़ रहने वाली है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, बहुत अच्छी बात, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिख सकते हो, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर डाल दीजिए। अब यहाँ पे लिख देंगे आप, देखिए यहाँ पे x था ना, मैंने थीटा लेके मैं शुरू हो गया हूँ, तो थीटा को x से रिप्लेस कर लेंगे बाद में हम लोग, तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है साहब। अब देखिए आगे बात करते हैं, तो ये इसका स्क्वायर इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या बचेगी, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, तो ये 10 इनवर्स की वैल्यू क्या बनी, देखिए ये बनी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं आराम से, 10 इनवर्स, अगर हम इसको ऊपर और नीचे कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2, फिर 1 माइनस 10 थीटा बाई 2, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। और ये फॉर्मूला आप किस तरह से लिख सकते हो, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2,
ये देखिए फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा कि होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी। तो इस ए की जगह पाई बाई फोर डाला है और इसकी जगह थीटा बाई टू, तो टेन पाई बाई फोर कितना होता है, ये आ जाएगा ना टेन पाई बाई फोर प्लस टेन बी की जगह थीटा बाई टू था। तो देखो ये समझते होगे, मैं थोड़ा ज़्यादा एलिबरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कोई बच्चा समझ, हर बच्चा समझ ले। टेन पाई बाई फोर वन होता है, तो टेन थीटा बाई टू और यहाँ वन माइनस टेन थीटा बाई टू वैल्यू हो जाती है। तो इसको आप लिख सकते हो टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है। अब इसको देखिए, अब इसको टेन इनवर्स को अगर इसको सेल्फ एडजस्टिंग करानी है तो इस एंगल को, यानी ये ध्यान रखिएगा, इसको तुरंत पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू नहीं लिखिएगा। अगर इसको ऐसा लिखना है तो ये जो एंगल है, यानी पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू जो एंगल है इसके बीच का, वो किसके बीच लाई करना चाहिए, बाई डेफिनेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के ओपन इंटरवल में, टेन के केस में। तो ये किसके अंदर फॉल करना चाहिए, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के केस में, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। तो लेट अस चेक ये इसके बीच में फॉल करता है कि नहीं। हमें कंडीशन दी गई थी यहाँ, तो एक्स की जगह हमने थीटा लिखा है, तो ऐसे लिख लो माइनस पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू थीटा पाई बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर हमको चाहिए था पहले थीटा बाई टू, तो टू से डिवाइड करो तब तो मैच कर पाओगे। तो ये आ गया माइनस थ्री पाई बाई फोर थीटा बाई टू और ये आ गया पाई बाई फोर। कोई घबराना नहीं, थोड़ा नाटक करना पड़ता है इसमें। अब यहाँ पाई बाई फोर ऐड कर दो, यही वैल्यू चाहिए। तो पाई बाई फोर ऐड करोगे तो माइनस थ्री पाई बाई फोर में आप पाई बाई फोर ऐड कर दो। मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ जिससे कोई भी बच्चा परेशानी ना फील करे। तीनों में पाई बाई फोर ऐड कर दिया। अब यहाँ एलसीएम पेल्सियम लोगे तो माइनस टू पाई अपॉन फोर बचेगा, तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। देखो दिख रहा है ना, चार नीचे और एलसीएम माइनस तीन में से प्लस वाला एक गया, तो माइनस दो पाई अपॉन फोर, तो माइनस पाई बाई टू और ये वैल्यू हो गई पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू और ये पाई बाई फोर मिलकर पाई बाई टू। अब देखिए ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब इसको ये लिख सकते हैं आप, देयर इज नो प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर ये इसके अंदर फुलफिल नहीं करता तो आप इसको नहीं लिख पाते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। और अभी क्या करना था, प्रूव हो गया ये, यहाँ पर लिख दीजिए आंसर आ गया पाई बाई फोर और थीटा को हम लोगों ने, थीटा तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, एक्स के फॉर्म में था, तो ये एक्स बाई टू, ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर सिक्स में आ गए हैं और एग्जाम्पल नंबर सिक्स को करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि राइट कॉस्ट कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, एक्स इज ग्रेटर देन वन का एनसीईआरटी में सोल्यूशन करते वक्त कोई भी बात समझाई नहीं गई है, सीधे सवाल सॉल्व कर दिया है। जबकि अगर ये ज़रूरी नहीं था तो फिर लिखा क्यों, देखिए साहब ज़रूरी क्यों है ये। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर सेक थीटा को एक्स के बराबर, और अगर आपको थीटा लिखना है सेक इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए जीरो से पाई के बीच में, जबकि पाई बाई टू हटा के, ये कंडीशंस होती हैं आपने पढ़ी होंगी जो। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन दे रखी है, और वन जो वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पर जीरो टू पाई तक की बात कर रहे हैं हम लोग, जीरो से पाई, और पाई बाई टू को हमको नहीं लेना है। और पहले क्वाड्रेंट में सेक हमारा पॉजिटिव होता है ना भाई, सेक एक्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, सेक थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो हम कह सकते हैं कि sec theta इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन, एक्स की जगह sec theta लिख दिया। तो sec theta एक से बड़ा है, पॉजिटिव है, मतलब एक से बड़ा तो पॉजिटिव ही होता है, तो वो पॉजिटिव तो पहले ही क्वाड्रेंट में हो पाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो sec theta नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इससे आप एकदम क्लियर हो जाते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है एक से बड़ी है, तो ये जीरो से बड़ी है और पाई बाई टू से छोटी है।
तो ये पहले क्वाड्रेंट की चर्चा है। अब ये बात क्लैरिटी की तरफ बढ़ जाती है, वैल्यू पुट कर दो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां लिखो एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो गया सेक स्क्वायर माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप टेन थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि टेन थीटा हमारा ग्रेटर देन जीरो है, क्यों, क्योंकि यहां पर थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव इन नेचर होता है, टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए टेन थीटा लिख सकते हैं। अब यहां आ जाइए, यहां लिखा कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू टेन थीटा आई थी, इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब इसको थीटा आप तभी लिख सकते हैं जब ये थीटा जो वैल्यू लिखी हुई है ये थीटा जीरो से पाई के बीच में फॉल करे, तब ये वैलिड है। अगर यहां थीटा जीरो से पाई के बीच में आए तभी ये वैलिड है साहब। तो देख लेते हैं, जीरो से पाई के बीच में थीटा दिख ही रहा था, जीरो से पाई बाई टू के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या था यहां पर, थीटा था सेक इनवर्स एक्स, तो इसको लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से, उम्मीद है आप बात पकड़ पाए होंगे। ये कंडीशंस थोड़ी शुरुआत में जब आप करेंगे तो आपको डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ना जरूरी है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, और देखिए इसको शुरू करेंगे करना। अब यहाँ पर देखिए जो कंडीशन दी गई इसको भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स, लेट कर लेते हैं एक्स बराबर टेन थीटा। अब यहां पर थीटा को टेन इनवर्स आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में, तभी लिख पाएंगे आप। अच्छा, साथ में कंडीशन दे रखी है यहां पर मॉडुलस ऑफ एक्स, इसको ध्यान देना जरूरी है, वन अपॉन रूट थ्री, आप इतना जानते होंगे अगर मॉडुलस की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री है तो एक्स मॉडुलस हटा के बात करें तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री और लेस देन वन अपॉन रूट थ्री के बीच ही होगा एक्स, तभी इसका मॉडुलस एक वन अपॉन रूट थ्री से छोटा आएगा। ठीक है साहब, अब एक्स को हमने टेन थीटा लेट किया तो एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दो। देखो ध्यान देना, ये सब आपको आना चाहिए बिल्कुल, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो यहां पर आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, बिल्कुल लिख दिया आपने। अब आपने क्या देखा कि माइनस पाई बाई टू से ये होता है माइनस पाई बाई टू, ये होता है पाई बाई टू, इसके बीच में जैसे जैसे थीटा आप इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, यानी दोनों में सेम रिश्ता है। तो उस सिचुएशन से जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन रूट थ्री टेन थीटा के लिए पाई बाई सिक्स होता है, आप पहचानते हैं यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, पाई बाई सिक्स और यहाँ पे माइनस पाई बाई सिक्स, ये कंडीशन मिल गई। अगर ऐसा होता कि थीटा बढ़ाने पे टेन थीटा घट रहा है तो इनइक्वालिटी बदल दी जाती, तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स होनी चाहिए, ये पक्का हो गया। अब आगे की चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाने वाली बात। अब यहाँ पे आइए टेन इनवर्स, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं टेन इनवर्स, आर एच एस पकड़ लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड और सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू एक्स की जगह टेन थीटा जो लेट किया था, तो इस एक्स की जगह टेन थीटा पुट किया, वैल्यू आ गई थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, फॉर्मूला आइडेंटिटी है, तो टेन थ्री थीटा लिख दिया। अब ये इसको हम लोग थ्री थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब थ्री थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच हो, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो लेट अस चेक कि थ्री थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है कि नहीं है, आ जाओ बेटा इधर। तो ये कंडीशन थी, यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस पाई बाई टू
ये 3 थीटा और यहाँ आ गया पाई बाई टू, तो यहां से क्लियर हो गया कि 3 थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 थीटा। अब 3 थीटा को आप ब्रेक कर लो, कैसे, एक तो लिख दो थीटा और दूसरे को लिख दो 2 थीटा, लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं। अब यहां इस थीटा की वैल्यू आप 10 इनवर्स x पुट कर सकते हैं और साथ में यहां पे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब 10 इनवर्स x तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और साथ में 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको मालूम है एनसीईआरटी में फॉर्मूला भी दिया है कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है अगर मॉडुलस x की वैल्यू लेस देन 1 हो। लेस देन 1 होने का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी और माइनस 1 से बड़ी हो। अब यहां पे ये जो इंटरवल दिया गया है, ये जो मैंने लिखा था, ये इंटरवल इसके अंदर आ रहा है, 1/√3 से छोटा है, -1/√3 से बड़ा है, इस वजह से इसको आप ये लिख सकते हैं और हम लोगों ने ये लिख दिया और इसी तरीके से हमारा ये सवाल प्रूफ हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना ये जो आपको थोड़ा झंझट महसूस हो सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन इसको पकड़ना ही चाहिए वरना अंधेरे में चलेंगे आप। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं जो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x जब मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। हम बड़े अच्छे से जानते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के कि sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल होती है। अगर ये पाई बाई 2 के इक्वल है तो आप सीधे लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 होता है 0 और वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। तो ये एक लाइन की कहानी थी। इस तरह से आपके एग्जांपल्स 3 से 3 से लेके 8 तक हम लोगों ने किए और इन डिटेल मैंने बारीकियां बताते हुए किया है। उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट को अच्छा पकड़ पाए होंगे। थैंक यू।